नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके की उथल पुथल चल रही है, करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये हुआ क्या है, क्या इसके पीछे मंशा है, तमाम चीजों पर बात करेंगे। और आज रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा सांसद राज्यसभा सदस्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आइए जानते हैं। दीपेंद्र जी, जिस तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ है और अधिकारियों की वीडियो भी वायरल हुई है, किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही दुख हुआ है सारे देशवासियों को कि ऐसी भी कोई सरकार हो सकती है जो अपने देशवासियों के प्रति ऐसी भावना रखती है। जो बयान आए अधिकारियों के कि देखते ही सर फूट दो और बिना कोई जो है सर फूटे कोई नहीं लिखे, तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं भी लोकतांत्रिक और संविधानिक व्यवस्था में इस तरह के आचरण का स्थान नहीं है। इससे बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं सरकार स्वयं किसानों को शांतिप्रिय तरीके से जो बैठे थे उनको उकसाने का काम करती है। और सरकार की नीयत तो केवल प्रश्न चिन्ह बनाने का हमारा मकसद नहीं है, मगर ये हम बार बार कहते रहे, ये प्रमाण है, ये जो घटना है ये बात का प्रमाण है। लगातार हरियाणा प्रदेश में किसानों पर अत्याचार चल रहा है, किसानों के अधिकारों का हनन चल रहा है। 9 महीने से 10 महीने से जब से आंदोलन चला, देश में किसी और प्रदेश के पे जो है सरकार इतनी हमलावर नहीं हुई है। पुलिस बल का प्रयोग व्यापक हरियाणा में किया जा रहा है लगातार, कहीं काफी पैसे बोले तो कहीं पानी की बौछार, कहीं लाठीचार्ज, तो कहीं पर्चे देश द्रोह तक के पर्चे दर्ज किए गए और हजारों किसानों के पर्चे दर्ज। ऐसे में ऐसा दिखाई देता है कि सरकार, देश की सबसे बड़ी सरकार, किसान विरोधी सरकार होने का ये खिताब लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, तरह तरह की सरकार हथकंडे अपना रही है, क्या आंदोलन को डिस्टर्ब करने की मंशा है सरकार की? देखिए, जब शांति से बैठे थे और मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम था उसे 15 किलोमीटर दूर बैठे थे, शांति से बैठे थे उसे 15 किलोमीटर दूर बैठे थे और उनसे एकदम से लाठीचार्ज करना जी, ये मैं समझता हूँ कि ये किस मंशा से क्यों उकसा रहे हैं, क्यों छेड़ रहे हैं, किस मंशा से कर रहे हैं। ये सरकार, मैंने जैसे कहा कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो देश में सबसे ज़्यादा बड़े किसान विरोधी मुख्यमंत्री होने का मेडल जीतना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि अपने दिल्ली हाईकमान को खुश करने के लिए बारी बारी किसानों की आवाज़ को कुचलें बेरहमी से, ये वो दिखाना प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसमें हमारी दो मांगे हैं तुरंत जी। पहली तो मांग ये है कि इस प्रकरण को लेकर कि हम अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि अधिकारी अपनी गरिमा ना खोए, अधिकारी ये ना भूलें कि प्रजातंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, आज कोई है कल कोई आएगा, आने वाला समय न्याय का होगा, किसान मजदूर का समय होगा, ऐसी सरकार होगी। तो जो अधिकारी आज लोकतंत्र को लठतल मानकर और ऐसी अहंकारी भाषा आज की सरकार को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, कल जब सरकार बदलेगी तो ऐसे अधिकारियों को की जवाबदेही तय की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या आप कोई इस बात को अधिकारी ना भूले, मैं प्रदेश के अधिकारियों से कहना चाहूँगा, जो आपकी संविधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं उनको लांघने का काम ना करें। और जैसे ही इन अधिकारी ने वहां खड़े होकर कहा कि मैं लिख के देता हूँ सर फोड़ो, हम भी लिख के देते हैं कि ऐसे अधिकारियों आने वाले समय में ऐसे अधिकारियों का की जवाबदेही तय की जाएगी, तो अधिकारी इस बात को समझे। दूसरा, हमारी मांग ये है फिलहाल तुरंत कि ऐसे अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए और एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी में और भी जो शामिल है इसमें सारी बात साफ आए। ये दो मांगे तो हमारी तुरंत हैं। बाकी एक बात, एक बात जो दूसरी हमारी मांग, बड़ी मांग है कि किसानों से बातचीत करके इस मसले को तुरंत हल कराएं। इन तीनों कानूनों को जब किसान इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, उन्हीं के रस ये कानून आप लेके आए हैं, उनको वापस किया जाए। और हरियाणा सरकार जो आज नैतिक अधिकार खो चुके हैं सत्ता में बने रहने का, हरियाणा सरकार तुरंत इस्तीफा दे। उनका कोई जो है जनता में विश्वास रहा नहीं, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेके आए थे कि जनता में विश्वास रहा नहीं। सर, आप इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं सरकार की, लेकिन कल दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में पेशी की और वहां कहा अगर किसान कस्सी से फावड़ा से हमला करेंगे तो क्या फूलों की माला पहनाएंगे? देखिए, किसान की बात हो या और कोई विषय हो, जो ये आपने नाम लिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी का, उनको हरियाणा के लोग सीरियस नहीं ले, क्योंकि वो किस नाम से वोट लें और किसको जाके आगे सपोर्ट करें,
वो कोई विश्वास की बात नहीं रहती, उन पर कोई विश्वास नहीं करता ना उनको कोई सीरियसली लेता। उनकी जो है वो कल कह रहे थे कि अधिकारी पे कार्रवाई करेंगे और उनकी जो माता जी हैं वो कह रही थी कि किसान ही नहीं है वहाँ पर, पता नहीं कौन बैठे। तो जो है ऐसे व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश के लोग नहीं सीरियस नहीं लेना, जो है खत्म कर दिया, कोई सीरियस नहीं लेगा। मेरा आखिरी सवाल है, आज सरकार 2500 दिन सेलिब्रेट कर रही है और चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप कैसे देखते हैं 2500 दिन? 2500 दिन में ऐसे 2500 दिन आए क्या, किस बात की सेलिब्रेशन कर रही है? आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर एक है और ये रिपोर्ट कार्ड एक तो चंडीगढ़ से प्रकाशित हुआ है, दूसरा दिल्ली नीति आयोग ने, भारत सरकार ने रिपोर्ट कार्ड पारित पास किया सरकार का। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग भारत सरकार देश में बेरोजगारी में नंबर एक हरियाणा सरकार, देश में अपराध में नंबर एक हरियाणा सरकार,